हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो आज का वीडियो जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है सुबह से ही, क्योंकि आज जो है हमारा सामान जाएगा। तो किचन का ज़्यादातर सामान तो जो है वो रख दिया है, कुछ सामान रह गया है। एक तो खाने पीने का रह रहा है क्योंकि चाय पानी तो बनेगी ही, और ये अलमारी में जो है ज़्यादातर सामान रख दिए निकाल लिया है जो ऐसा था जो टूट फूट सकता था, और जो ऐसा है कि नहीं एक दो डब्बा रह जाएगा तो उसी के लिए टेप लगा दी है, क्योंकि इनकी किसी की भी जो है चाबी नहीं मिल रही। और टेपिंग करना, इनको पैक करना, जब हमने दिल्ली से सामान वो किया था तो तब मतलब उनसे ही ये आइडिया आया था कि टेप लगा दो तो लॉक हो जाता है। सामान भी हमने इसी तरीके से पैक किया है। तो अभी हम पी रहे हैं यहाँ पर बैठ कर के चाय पानी, और एक एक दो दो इसके साथ में ब्रेड ले लिया है, क्योंकि अभी जो है हमें काम पर लगना है। सारा ही सामान हमारा काम तो ख़त्म हो गया है, पर फिर भी थोड़ी बहुत पैकिंग रह रही है, और जो है पैकिंग करने वाले और सामान ले जाने वाले वो लोग आ गए हैं। तो मांटू भी जो है वो नहा ली है, सुबह सुबह में मैंने इसको नहला दिया है क्योंकि कल नहीं नहाई थी। बस अब ये सामान जो भी रखा हुआ है सब जाएगा और ये घर जो है खाली हो जाएगा बिल्कुल। बहुत सारा सामान है, देखिए टाइम भी लगता है सामान उठाने में भी और लगाने में भी। अभी यहाँ से जाएगा, फिर वहाँ से उतरेगा, वहाँ लगाना, तो बहुत टाइम लग जाएगा इन सब चीज़ों में। तो अभी जो है सारा जो एक कंबल तकिए वकिए जो भी रह गए थे वो ये बेडशीट जो इस पर बिछी हुई थी उसी में सारा सामान बांध दिया है। सबसे ज़्यादा हमारा जो सामान है वो बेडशीटों में ही बंधा है, क्योंकि इजी भी रहता है, उसमें काफ़ी सारा सामान भी आ जाता है, क्योंकि इतने सारे बॉक्स वोक्स भी फिर कहाँ से लेकर के आएंगे। और कुछ मैंने एक पन्नी मंगवा ली थी, जो छोटा मोटा सामान होता है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो बस ये सामान भी जो है वो हमारा पैक हो गया है, और इस पर अलमारी पे भी मैं टेप लगा रही हूँ ताकि ये खुले नहीं, और इस पर ना सामने एक गत्ता भी लग जाएगा ताकि जो है शीशा टूटने फूटने की परेशानी ना रहे। तो अभी यहाँ पर ना ये कार्टून बना रहे हैं जो ला करके रखे हुए थे, क्योंकि हम ना साथ के साथ में बना रहे हैं। कुछ तो हमने पहले बना लिए थे और जो नहीं बनाए हैं और उनको बना रहे हैं, ताकि इसमें मैं ना किचन का थोड़ा सा सामान जो रह गया है नाजुक सा वो रख लूँ। तो बस ये हो गया है, और जो भैया लोग हैं जो सामान रख रहे हैं वो अपना सामान ले जा करके रख रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो कार्टून है वो भी हमारा तैयार हो गया है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो आज जो है हमारा जो सामान है वो मतलब लगा रहे हैं उसमें, गाड़ी वाड़ी सब आ गई है सामान रखने के लिए। तो धीरे धीरे करके जो है मैं चाकू ले रही हूँ, क्योंकि टेप लगानी पड़ रही है ना कई जगहों पर, तो उसी के लिए चाकू ले रही हूँ। और यहाँ से इस वाले रूम में से काफ़ी हद तक जो है वो सामान चला गया है, मतलब जो अलमारी वलमारी है वो चली गई, बेड है अभी, और उस वाले दूसरे वाले रूम का भी, इस वाले रूम का भी जो बेड था वो चला गया है, ड्रेसिंग चली गई है,
अभी जो ये गठरी वठरी है वो रह रही है। तो बस टाइम आ गया है, और मुझे ना दो तीन कमेंट ये आ रहे थे कि दीदी बहुत बुरा लग रहा है जब आप पैकिंग कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत उससे इस घर को सजाया था। जहाँ से भी जाते हैं, जब भी जाते हैं, चाहे 4 दिन रहे, चाहे 10 दिन रहे, चाहे महीना भर रहे, छोड़ने का दुख तो होता ही है। पर हमने बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब उन सभी चीज़ों ने हमें वो किया कि हमें मतलब शिफ्ट करना ही पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें थी, एक दो रीज़न को हम सोच सकते हैं कि नहीं चलो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जब हम बहुत सारी चीज़ सोचते हैं तो वो नहीं हो पाता है फिर। तो उसी वजह से इनके काम को, मांटू को, अपने आप को भी, हमारा तीनों का ही वो था, एक का भी होता तो हम एडजस्ट कर लेते कोई नहीं, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। शिफ्टिंग एक बहुत बड़ा टास्क होता है, हम मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा ही मतलब जो है वो उसमें आ जाते हैं, थक जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। पर जो भी है, मांटू नहाली है, इसको मैंने सुबह में ही मैंने कहा ये कल नहीं नहाई थी तो आज सुबह में सबसे पहले ये नहाई है। टोपा ओपा लगा रखा है क्योंकि ठंड जो है वो काफ़ी हो रही है, और आप लोग मेरी भी हालत देख सकते हो, मेरी हालत भी ठीक नहीं है बिल्कुल भी, तबीयत भी ठीक नहीं है और हालत भी ठीक नहीं है। चिंचल है बेटा, वो ऐसे बंद ही रहने दे उसको। तो चलिए देखते हैं अभी कितना सामान अभी जाता है, कितना रह जाएगा अभी भी और। पर ये है, दो गाड़ी लेकर के आए हैं तो दो गाड़ी में आराम से जो है सामान इजी से चला जाएगा, धक्का पेल नहीं होगी सामान की। मैं भी सुबह नहा ली थी, पूजा कर ली थी मैंने इसी वजह से कि सबसे पहले पूजा हो जाए तो अपना मन शांत रहता है फिर। अभी जो है सारा सामान, जो भी मोटा मोटा सामान था वो चला गया है, पर बारीक बारीक सा कुछ सामान ऐसा होता है जो हमें ही देखना होता है, पर्दे वर्दे ये भी सब निकालने हैं। और बस सारा सामान जो है वो लगा दिया है अभी, मतलब चला गया है। भाई भी आ गए, इसी ने पंखे वंखे का जो काम था वो कर लिया, क्योंकि ड्रिल व्रिल का जितना भी काम होगा वो भैया कर लेंगे। तो ये है कि हाँ, बाहर से कोई बुलाना नहीं पड़ेगा। तो ये पंखे हैं पर है तो इनसे तो वैसे भी नहीं उतरते, ये काम भैया ही कर सकता है। अभी घर खाली हो गया है और आवाज भी जो है वो गूंजने लगी है, काफी हद तक सारा ही सामान चला गया है, पूरा घर जो है खाली हो गया है। और अच्छा तो नहीं लगता, बार बार वही चीज़ें मन में आती है। पहली जो शिफ्टिंग हुई थी उसमें तो मैं थी नहीं, और हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा ही। छोटी छोटी सी जो काज वाज की है ना, जैसे LED ये वाली चीज़ें रह गई हैं बस, बाकी तो सब सामान चला गया है। और बस अब कहीं और जाएंगे, कहीं और सामान जमाएंगे, वहाँ रहना सहना करेंगे बहुत। सो गाइस, अभी तो मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ, और मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने घर जा कर के, क्योंकि यहाँ से जो है सामान सारा निकल चुका है, अभी हम ही रह रहे हैं। बाइक पे जाएंगे, मैं, भाई है, मांटू है और उसके पापा हैं, तो हम सब लोग जाएंगे बाइक से। और मेरी वैसे भी तबीयत ख़राब हो रही है, नज़ला जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसी लिए हम सब लोग बाइक पे जाएंगे। और सामान तो सारा जा चुका है, दो गाड़ियों में सामान गया है, क्योंकि सामान की जो वो है वो ज़्यादा है, तो जब सामान इकट्ठा होता है ना तब पता चलता है। अब ये यहाँ से तो चला गया, एक टास्क तो हो गया ख़त्म, अब जो मेरा मेन वो है वो शुरू होगा, यानी कि उस सामान को अब ये उतार के तो रख देंगे, वो सारा सामान लगाना, अपनी अपनी जगह पर सेट करना, तो मेन काम रह गया है अभी।
मैं आप लोगों को जाकर के एक बार अपना घर भी दिखाऊंगी, खाली घर दिखाऊंगी पहले तो, कैसा है कैसा नहीं है, सामान पहुंच जाएगा और आप लोग भी बताइएगा कि कैसा है। वो घर जो है वो इनके गांव वाली रोड पर ही है, मवाना साइड रोड पर, मतलब बेगम पुल जो जानते होंगे जो लोग मेरठ से हैं, बेगम पुल के पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है बेगम पुल के, तो उधर ही हमने जो है घर लिया है। और दिखाऊंगी जा करके, आप लोग देखिएगा फिर कैसा लगेगा कैसा नहीं। फिलहाल तो अभी हम चलते हैं, इस घर को भी बाय बाय बोलती हूँ और ये लास्ट टाइम आप इस घर को देख रहे हो मेरी वीडियो में, अब कभी नहीं दिखेगा। मतलब काफ़ी अच्छा टाइम बीता हमारा यहाँ पर भी, वो अलग बात है बहुत कम बीता, बहुत कम हम इस घर में रहे हैं, पर जितना भी बीता बहुत अच्छा गया और बहुत अच्छे लोग थे यहाँ के, जो आंटी अंकल भैया हैं जो भी जितने भी लोग थे बहुत अच्छे थे। मतलब फर्स्ट टाइम हमें ऐसी फैमिली मिली है जिसके साथ रहकर कैसा लगता था बिल्कुल कि जैसे अपनी ही फैमिली है। इतनी चिंता इतनी फिक्र हर चीज़ में, मतलब जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे लोग भी मतलब मिलना मुश्किल ही है, हमें ऐसे फैमिली नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी फैमिली थी। पर साथ रहेंगे ऐसा नहीं है कि मतलब कभी मिलेंगे या जुलेंगे नहीं, आना जाना करेंगे, क्योंकि घर ही तो छूटा है, रिश्ते तो नहीं छूटे ना, संबंध तो उनसे ऐसा ही है। तो वही सब उसी के साथ में मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूंगी, मिलूंगी आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। न्यू वीडियो आप लोगों को देखने मिलेंगे क्योंकि नए नए घर की वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। वेट कीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग का, अच्छा लगा हो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।